सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज़ आप सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, आपका हार्दिक स्वागत है महाज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 21 मार्च रविवार कुंभ राशि के महाराशि फल के बारे में कि यह दिन इस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और साथ ही स्वास्थ्य की जानकारी हम आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि कुंभ है तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। विक्रम संवत 2077 दिन आज रविवार का रहेगा। महीना जो है वो फाल्गुन का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि बन रही है जो कि यह सुबह के 7:10 तक चलता रहेगा और इसके आगे शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि वह प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो मृग सिरसा नामक नक्षत्र बन रहा है जो कि यह शाम के 7:25 तक चलता रहेगा और उसके आगे आद्र नामक नक्षत्र वो प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो आयुष्मान नामक योग बन रहा है जो कि यह दोपहर 12:39 तक चलता रहेगा और इसके आगे स्वभाव नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है वो रहने वाला है सुबह के 6:33 पर और सूर्यास्त का जो समय है वो रहेगा शाम के 6:34 पर और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा सुबह के 11:32 पर और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा रात्रि के 1:32 पर। सूर्य राशि रहेगा मीन राशि और चंद्र राशि चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगा। चलिए अब जानते हैं शुभ काल यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 12:09 से लेकर ठीक दोपहर 12:58 तक चलता रहेगा। अब बात करते हैं अशुभ काल यानी राहु काल की बात करें तो शाम के 5:04 से लेकर ठीक शाम के 6:34 तक चलता रहेगा। याद रखिए दोस्तों, आप राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य को बिल्कुल भी ना करें वरना आपके कार्य में विघ्न बाधाएं आ सकता है। चलिए जानते हैं डेली राशि फल और पूरे दिन की घटनाओं की जानकारी। कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या कहते हैं आज आपके सितारे, तो चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे। दैनिक राशि फल, आप पिछले कई दिन से बेचैन और नाखुश सा अनुभव कर रहे हैं लेकिन आज आपका रुख इस समस्या को और अधिक गंभीरता से लेने का है। आपको यह जानना है कि इस समस्या की जड़ क्या है। आज का दिन इस समस्या के लिए सबसे बेहतर है। लंबे समय से उपेक्षित कुछ कामों की योजना बनाने के लिए भी आज बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य और कल्याण की बात करें तो आपकी भावनाएं आज उफान पर रहेंगी और आपको खास परेशान करेंगी। अपनी भावनाओं के तूफान में बहकर कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोच लें। इस स्थिति में थोड़ी राहत पाने के लिए वे कार्यकलाप करें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से आप मानसिक रूप से संतुलित होने का अपने ध्यान बांट पाएंगे। प्यार और संबंध राशि फल की बात करें तो अगर आप किसी रोचक और खुश मिजाज आदमी को डेट करना चाहते हैं तो आपको अपने रूटीन में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका संबंध फिर से उसी निरस पर पहुंच पाएगा। आपको अपनी लव लाइफ में बदलाव लाने के लिए खुद को अंदर से बदलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ अपनी ट्रेंडिंग भी बदल लें तो आपको अंदाज भी नहीं है कि आप में कितना खुश मिजाज बदला जाएगा। करियर और धनराशि फल की बात करें तो आपकी कड़ी मेहनत और धैर्य की लंबी प्रतिबद्धता का फल आपको मिलने जा रहा है और एक बड़ा अवसर आपके लिए आगे जाने के लिए आपको मिल सकता है। अंत में आपको अपनी प्रतिबद्धता का लाभ भी शुरू हो जाएगा। हालांकि अन्य लोगों के योगदान को याद करें और न भूलें और उनके साथ सदा विनम्र रहें,
यह न केवल आपकी लोकप्रियता बनाएगा बल्कि आपके भविष्य में भी मदद मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी, ताकि माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो।